किरण जाधव डॉट कॉम के सीएमडी किरण जाधव साहब जुड़ते हुए। किरण, क्या कॉल होगा? ये 10,400 एक हेवी मीट बना लिया हमने, वहां पे अटक रहे हैं बार बार, आज भी वही नहीं लेवल्स के आसपास से हम ठंडे पड़े। क्या इंडिकेट कर रहा है बाजार? निफ्टी के लिए कोई ट्रेड सेटअप समझ में आता है? कोई बेट लूं? बिल्कुल लॉन्ग साइड पे ही बेट लेनी चाहिए आशीष जी। पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि जो करेक्शन आ रहा है वो अच्छी बात है, बीच बीच में करेक्शन आ जाने चाहिए। और एक बार 10,400 निकल जाता है तो वन वे मूव आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको कैजुअली 10,460 आज के लिए। और अगर हम पोजिशनल बात करें तो मुझे लगता है कि आपको 10,520 के लेवल्स भी अगले एक दो ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल जाने चाहिए, तो पॉजिटिव रुझान ही रखना चाहिए। ओके, स्टॉक्स पे आप दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं? देखिए, एक बाय कॉल एक सेल कॉल है। अदानी पोर्ट्स बाय करके चलना चाहिए। एक एंड ऑफ डे पे एक आइलैंड रिवर्सल प्राइस कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि पोजिशनल टारगेट करीबन 328 के देखने को मिल जाने चाहिए। पर अगर आज की बात करें तो मेरा मानना है कि आज ये स्टॉक करीबन 317 से 319 के टारगेट्स आपको दिलाता नजर आएगा। उधर बेचने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके के वॉल्यूम्स है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन 3.5% के बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो वायदा कारोबार और कैश मार्केट दोनों में भी बाइंग है, तो ये बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। दूसरा रहेगा डाबर, जहां पे सेल कॉल है। 406 का स्टॉप लॉस रहेगा, 392 का स्टॉप लॉस लगा, सॉरी 392 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके।